आज इलेक्शन कमीशन को गाली देने वाला, इलेक्शन कमीशन के बच्चे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी के बच्चों के को कत्ल की धमकियां देने वाला, और कहता था कि ये पता नहीं किसके घर का मुलाजिम है, किसके घर का क्या है, वो आप वीडियो, ये कौमी फरीजा है कि ये वीडियो स्क्रीन पर चले और पाकिस्तान की अवाम, बच्चे, नौजवान जिनके जहनों को ये शख्स पलूट, ये फ्रॉडिया कर रहे हैं, उनको पता चले कि इनकी असलियत क्या। पता है उनको, काफी हद तक पता चल गई है कि उनको क्या है, क्योंकि काफी ऐसी चीजें, शवाहिद, हकायक पाकिस्तान के सामने आ गए हैं। तो ये मेरे वीडियो देखें, फिर मैं आपको इसके ऊपर तफसील बता दूं। वो फवाद वाली सुना दी आपने? अच्छा जी, ये क्या कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं, ये है इनकी असलियत, ये है इनकी औकात, ये वो लोग हैं जो इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर के बच्चों को कत्ल की धमकियां देते रहे हैं, उसमें जेल गए हुए हैं, और उसी तौहीन इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अंदर से हेयरिंग करके आए, ये वो शख्स है। उसके बाद बड़ी अच्छी बात है, आप इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं, आज ये बहुत ही अच्छी गुफ्तगू आपने की, तो फिर आप इलेक्शन कमीशन के उस फॉरेन फंडिंग के फैसले के साथ भी खड़े हैं जो डिक्लेयर करता है कि इमरान खान साहब ने ममनुआ फंडिंग मंगाई चपड़ासियों के जरिए, ऑफिस बॉयज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की, उनके अकाउंट्स और उनके चेक्स के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की, खैरात के पैसे को सियासत के लिए इस्तेमाल किया, खैरात के पैसे पे फंड रेजिंग करके उस पैसे को डिक्लेयर नहीं किया इलेक्शन कमीशन में और उसको अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल किया, तो फिर आप उसके उस फैसले के साथ भी इसी तरह खड़े हैं, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े हैं। आप इलेक्शन कमीशन के साथ उसी तरह खड़े हैं जिस तरह तोशाखाना का केस इलेक्शन कमीशन का, कि इमरान खान साहब ने अपने तहाइफ डिक्लेयर नहीं किए, इमरान खान साहब ने तोशाखाना में चोरी करके डाका डाल के तहाइफ बेचे और पैसे जमा कराए, इमरान खान साहब ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, तोशाखाना की पॉलिसी चेंज की अपने गिफ्ट्स खरीदने के बाद, तो आप फिर उस फैसले के साथ बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का के फैसले के साथ खड़े हैं। फिर इलेक्शन कमीशन का ये फैसला के फॉरेन फंडिंग वाला मैंने आपको बता दिया, इलेक्शन कमीशन के सारे फैसलों के साथ आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ खड़ी, ये तस्लीम कर लिया कि इमरान खान साहब फॉरेन एजेंट भी हैं और इमरान खान साहब तोशाखाना चोर भी हैं। तो ये आज एक अच्छा दिन है जिसमें ये तमाम हकायक पाकिस्तान की अवाम के सामने, दूसरी तरफ से इनके अपने अराकीन पार्लियामेंट जो है वो इनके खिलाफ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस जो है वो ला रहे हैं, और इसमें कामयाबी भी होगी। तो इन्होंने साइफर जो था उसके खेल को खेलने का बंदोबस्त किया, एक पूरी साजिश की, जो उसके बाद खुद साजिश करके भी, कभी वो आलमी साजिश थी, अब तो मैं भूल भी गई, इतनी तब्दील करते हैं बातें, आलमी साजिश थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो साजिश बैरूनी मुल्क साजिश हो गई, फिर उन्होंने कहा कि वो साजिश जनरल बाजवा ने की, फिर उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ने की, फिर उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने लंदन बैठ के ये साजिश की, फिर उन्होंने कहा अमेरिका से कि हमने कोई बात नहीं की, हमारी अमेरिका से कोई लड़ाई नहीं है, आलमी कोई साजिश नहीं हुई, ये मोहसिन नकवी ने साजिश की थी मेरे खिलाफ। फिर उन्होंने माफिया मांगी, तरले मिनते किए अमरीका के साथ कि अमरीका हमें माफ़ कर दे, हमने ऐसी कोई बात नहीं की थी, और उसी साइफर के ऊपर इन्होंने पार्लियामेंट तोड़वाई, नेशनल असम्बली डिजॉल्व कर दी, तोड़ दी, आइन शिकनी की, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये आइन शिकनी हुई थी, गलत तोड़ा गया पार्लियामेंट को, और वो दोबारा पार्लियामेंट बहाल हुई, और जो 4 साल की मुल्क के खिलाफ साजिश थी उसके बाद पूरा, उसके बाद जो मुल्क के हालात हैं उनका रिवाइवल शुरू हुआ, मईशत का रिवाइवल शुरू हुआ। आईएमएफ का प्रोग्राम इमरान खान ने सस्पेंड कर दिया था मार्च में, सब्सिडी देकर पेट्रोल के ऊपर, उसकी क्रेडिबिलिटी को ना सिर्फ बहाल किया, मुल्क को दिवालिया की नहज पर ले गया, उसको बहाल किया, आईएमएफ के प्रोग्राम को रीनिगोशिएट करने के लिए आईएमएफ को टेबल पर लेकर आए, सैलाब के दौरान पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए आईएमएफ के प्रोग्राम को दोबारा से शहबाज शरीफ ने रीनिगोशिएट किया कि हम वो तमाम शरायत जो सख्त शरायत हैं वो नहीं मान सकते, क्योंकि क्रेडिबिलिटी एट स्टेक थी, जिसकी वजह से ना सिर्फ उस क्रेडिबिलिटी को दोबारा बहाल किया, उनको टेबल पर लेकर आए, रीनिगोशिएशन स्टार्ट हुई, और आज जो मुल्क की महंगाई के हालात हैं ये वही इमरान खान साहब के कारनामे हैं जिसके ऊपर वो सवालात करते हैं। अब बात सिर्फ ये है
कि वो वक्त जिस वक्त IMF का प्रोग्राम रीनिगोशिएट होकर साइन होने जा रहा है, वो वक्त जो जो दोस्त पार्लियामेंट इन्होंने खुद तोड़ी, खुद डिसॉल्व की असेंबली, और उसके बाद उस असेंबली को डिसॉल्व करने के बाद कहा कि मैं लॉन्ग मार्च कर रहा हूँ, उस लॉन्ग मार्च में गोली मरवाई अपने आप को, फिर कहानी छरे लगे हैं, फिर कहानी टुकड़े लगे हैं, फिर कहानी चोट लगी है, उसमें भी एक गोद उजड़ी, उसके बाद इनके कंटेनर के साथ लगकर एक सहाफ़ी शहीद हुई सदफ, उसके बाद पुलिस वाला कांस्टेबल इनके ओहदेदार के घर से गोली लगकर पेट में उसकी डेथ हुई, उसके 6 बच्चे यतीम हुए। उसके बाद मैंने आपको कल जो सारे शवाहिद हफ्ते के रोज़ बताए ज़िले शाह से रिलेटेड, वो सारे शवाहिद आपने देखे कि जिसकी डाले जिसकी गाड़ी के अंदर फोर्ट्रेस से वो मोजे के तौर पर गाड़ी उन्हीं के बंदे की वहाँ मौजूद थी, क्या नाम था उसका, राजा शकील साहब, वो गाड़ी फोर्ट्रेस चली गई, वहाँ से लाश उठा ली, लाश को कहीं रिपोर्ट करने के उस पर अस्पताल छोड़ कर चले गए, और वो जो राजा अदील साहब हैं, राजा शकील साहब, इतने नाम बदलते हैं, इतनी कहानियाँ बदलते हैं, इतने किस्से बदलते हैं, इतने झूठ बोलते हैं, उनको 2 जमानत पार्क में पनाह दी रखी, ड्राइवर रूपोश हो गया, भेस बदल लिया, शेव करा ली, वो छुप गया, सबको पता था 2 दिन से ये कार्रवाई हुई है, यास्मीन राशिद साहब, इमरान खान साहब प्रेस टॉक करते हैं, आवाम को नहीं बताते कि मुझे 2 दिन से पता है कि ये डेथ हो चुकी है ये, और उसके बाद ये तमाम क्यों, सिर्फ एक वजह से, और वो वजह ये है कि इस शख्स को पता है कि इसकी गलाजत का ढेर जिसको ये सियासत कहता है वो दफन हो चुका है, ये नाकाम हो चुका है। साइफर से कहानी शुरू हुई, अब लाशों का मुंतजर होता है कि कोई लाश मिले तो उसके ऊपर अपनी सियासत करें। कल जो रैली निकली वो नन्नी मुन्नी रैली, मैं ट्विटर पर ट्रेंड देख रही थी, मुस्तरद कर दिया, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठकर खुद करते हैं तकरीरें, और अपने ओहदेदारों के घरों से गोलियां लगकर लोग शहीद होते हैं, अदालत बुलाती है तो अदालत को गाली देता है, उस पर हमला आवर होता है, कहता है नहीं आऊँगा, जब अस्तस्ना मिल जाता है तो खामोशी इख्तियार कर लेता है। आजकल तो वारंट मैंने सुना है अदालत ने हिम्मत की है, वारंट इशू हो गया और मुअत्तल भी हो गया। मैं बड़े इंतजार में थी कि वो जो वारंट इशू हुआ है वो अभी तक मुअत्तल क्यों नहीं हुआ।